तो साउंड बार तो आप में से बहुतों ने यूज किए होंगे और बहुत से परचेस करना भी चाहते होंगे। तो आज हमारे पास आया हुआ है एक साउंड बार जो नॉर्मल साउंड बार से एक कदम आगे है। वो क्यों, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो ये आता है सारेगामा कारवा की तरफ से एंड इसका नाम है सारेगामा कारवा म्यूजिक बार। तो कारवा का नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी पॉपुलर ब्रांड है एंड काफी इनके स्पीकर्स भी आपने यूज किए होंगे। बट कंपनी ने अब अपना एक साउंड बार भी लॉन्च कर दिया है। प्राइसिंग की बात करिए तो 12,990 रुपए इसकी प्राइसिंग है, बट अभी ऑफर के दौरान आप इसे 6,990 रुपए में परचेज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स पैकेजिंग काफी ह्यूज है, जैसा आप देख सकते हैं बॉक्स के फ्रंट में सारेगामा कारवा म्यूजिक बार की ब्रांडिंग दी गई है। नीचे की तरफ मेंशन है मोर देन जस्ट अ साउंड बार। इसके पीछे के पार्ट में काफी सारी पिक्स दी गई है जो एक्टर्स एक्ट्रेस सिंगर्स के हैं एंड इसे 500 प्रीलोडेड एवरग्रीन हिंदी सॉन्ग्स दिए गए हैं। इसे कारवा के अदर स्पीकर्स में हमें देखने के लिए मिलते थे। तो ये उसको एक कदम आगे ले जाती है नॉर्मल साउंड बार से, उसमें हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। नीचे के पार्ट में इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए, इनबिल्ट एफएम का सपोर्ट हमें यहां पे देखने के लिए मिलता है, ब्लूटूथ 5.0, USB 3.0, Auxin, HDMI ARC, 2.0 Stereo, Coaxialin, 4 Audio Modes, Quad Drivers and 120 Watt Sound. राइट पार्ट में एक नंबर दिया गया है जहाँ पे आप इसका सीरियल नंबर मैसेज कर सकते हैं, इसकी वारंटी अवेल कर सकते हैं एक साल की। नीचे के पार्ट में इसकी प्राइसिंग 12,990 रुपए मेंशन है। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं इसके टॉप पे मेंशन है क्रिएटिंग म्यूजिक सिंस 1902 एंड यहाँ पे काफी सारी पुरानी फिल्मों की पिक्स भी दी गई हैं। तो यहाँ पे दो बेल्स दी गई हैं, इनको हम कट करके ओपन इसको कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है इसका सबवूफर, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद दिया गया है यहाँ पे इसका एक्सेसरी बॉक्स एंड लास्ट में दिया गया है इसका साउंड बार। तो अब इसके बॉक्स कंटेंट हम देख लेते हैं। तो इसमें तीन चीजें दी गई हैं। सबसे पहले दिया गया है इसका सबवूफर एंड सेकंड है इसका साउंड बार एंड ये है इसका एक्सेसरी बॉक्स जिसके ऊपर मेंशन है सारेगामा कारवा म्यूजिक बार एक्सेसरीज। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है इसका पावर अडेप्टर एंड ये मेड इन इंडिया है, जो एक अच्छी बात है। यहाँ पे दी गई है इसकी इंस्टॉलेशन किट, जिसके अंदर दो किट दी गई है, एक है टेबल टॉप किट एंड एक है वॉल माउंट किट। तो टेबल टॉप किट में चार स्क्रू दिए गए हैं, दो प्लेट्स यहाँ पे दी गई हैं एंड दो यहाँ पे रबर पैडिंग दी गई है जिनको आप इसके ऊपर चिपका सकते हैं। तो अगर आप साउंड बार को टेबल में रखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको इसकी प्लेट को इस तरीके से यहाँ पे स्क्रू करना है एंड इसके बाद इस टेप को यहाँ पे चिपका देना है। तो वॉल माउंट किट को हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दी गई एक इंस्टॉलेशन गाइड, दो यहाँ पे गिट्टी पेस दिए गए हैं वॉल माउंट करने के लिए, दो मेटल ब्रैकेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दी गई है एक वॉल माउंट गाइड। तो सबसे पहले इस पेपर को आपको वॉल में चिपकाना होगा क्योंकि इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट दिए हुए हैं एंड जैसा इसमें दिया गया है वॉल में ड्रिल कर सकते हैं। इन द लास्ट यहाँ पे दी गई है इसकी एक्सेसरीज। सबसे पहले यहाँ पे दी गई है एक HDMI केबल, इसका रिमोट, यूजर मैनुअल एंड इसकी सॉन्ग बुकलेट यहाँ पे दी गई है। तो 500 प्री इंस्टॉल सॉन्ग हमें साउंड बोर्ड में देखने के लिए मिलते हैं एंड कौन सा सॉन्ग किस नंबर पे है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इनका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर साउंड बार देखा जाए तो टोटली हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है एंड मैट फिनिश में आता है जो दिखने में काफी अच्छा लगता है। राइट पार्ट में सारेगामा कारवा की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है। फ्रंट पार्ट की स्पीकर ग्रिल मेटल बिल्ड दी गई है जो एक अच्छी बात है इसके लिए एंड 4 स्पीकर्स का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा 2 बेस रेडिएटर भी इसके फ्रंट पार्ट में दिए गए हैं। टॉप पार्ट में इसके बटन दिए गए हैं, सबसे पहला है पावर बटन, सेकंड है सारेगामा बटन जिससे आप इसके इनबिल्ट सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं, FM बटन, ब्लूटूथ, HDMI बटन, USB प्ले एंड ऑक्स बटन, प्ले पॉज, प्रीवियस एंड नेक्स्ट एंड वॉल्यूम रॉकर्स। पीछे के पार्ट में इसके सभी IOs दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे FM एंटीना दिया गया है, सेकंड HDMI ARC पोर्ट यहाँ पे दिया गया, तो साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे और भी बेहतर मिलने वाली है। सबवूफर आउट का यहाँ पे पोर्ट है जिससे आप सबवूफर को कनेक्ट कर सकते हैं, कोएक्सियल पोर्ट, ऑक्सिन, USB पोर्ट, तो पेन ड्राइव या किसी भी USB इनेबल्ड डिवाइस से आप अपने सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं एंड DC इन पोर्ट। बॉटम पार्ट में इसके स्क्रू पोर्ट दिए गए हैं जहाँ पे आप इसका वॉल ब्रैकेट या टेबल माउंट को अटैच कर सकते हैं। सबवूफर अगर देखा जाए तो इसका कैबिनेट टोटली जो है वुडन से बना हुआ है। टॉप में सारेगामा कारवा की ब्रांडिंग दी गई है, फ्रंट से टोटली फ्लैट है। राइट पार्ट में इसका 7.5 इंच का सबवूफर दिया गया है, पीछे के पार्ट में इसका एयर वेंट दिया गया है जिससे जो उसका डीप बेस है और भी इनहेंस हो जाता है एंड यहाँ पे कनेक्टिंग वायर भी दी गई है जिससे आप इसको इसके साउंड बार के साथ कनेक्ट
कर सकते हैं। बॉटम पार्ट में इसके रबर स्टैंड दिए गए हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो अगर इसके पावर आउटपुट की बात की जाए तो इसका साउंड बार 50 वॉट के आउटपुट के सपोर्ट के साथ आता है। इसके फ्रंट में 2.5 इंच के 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 बेस रेडिएटर भी दिए गए हैं। इसका सबवूफर 70 वॉट के पावर आउटपुट के सपोर्ट के साथ आता है एंड इसमें 6.5 इंच का सबवूफर स्पीकर दिया गया है। तो टोटल आउटपुट यहाँ पे हो जाता है 120 वॉट का एंड वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। तो अब इसकी रिमोट फंक्शनैलिटीज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला बटन यहाँ पे दिया गया है सारे गामा का, तो इसको प्रेस करके आप इसके इनबिल्ट 500 सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। सेकंड बटन है पावर का, ब्लूटूथ, FM, USB, AUX, HDMI इनपुट का यहाँ पे बटन दिया गया है। वॉल्यूम अप एंड डाउन, नेक्स्ट, प्रीवियस, प्लेन, पॉज, बेस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऐसे कर सकते हैं। ट्रिबल को भी यहाँ पे ट्विक कर सकते हैं। 3D ऑडियो बटन, वोकल ऑडियो मोड, तो अगर आप वोकल थोड़ा क्लियर चाहते हैं तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। मूवीज ऑडियो मोड, तो अगर आप मूवीज देख रहे हैं अपने टीवी में तब आप इसको ऑन कर सकते हैं। म्यूजिक ऑडियो मोड, तो अगर आप म्यूजिक इसमें प्ले कर रहे हैं तब आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो क्योंकि इनबिल्ट FM के सपोर्ट के साथ आता है तो FM टेस्ट तो यहाँ पे बनता है। तो FM प्ले करने के लिए आपको इसके FM बटन को एक बार प्रेस करना है एंड उसके बाद चैनल सर्च करने के लिए आपको इसके प्ले बटन को 5 सेकंड तक होल्ड करना है। तो अब इसको अपने फ़ोन से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए आपको इसके रिमोट पे जाना है एंड इसके बाद आपको ब्लूटूथ बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कारवा म्यूजिक बार लिखा हुआ आ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं पेयर एंड ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो अब इसका एक साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं। तो साउंड टेस्टिंग के लिए मैं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करें। एंड साउंड टेस्टिंग के लिए मैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को यूज़ करने वाला हूँ, तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी इसके साउंड आउटपुट की। तो अगर यहाँ पे इसके बेस की बात की जाए तो यहाँ पे 70 वॉट का सबवूफर दिया गया है जो इसके बेस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। बेस की डीपनेस काफ़ी अच्छी है, बेस को आप ट्विक भी कर सकते हैं इसके रिमोट से। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रिबल्स में भी ये साउंड बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है एंड ट्रिबल को भी आप काफ़ी आराम से इसके रिमोट की मदद से ट्विक कर सकते हैं। अब अगर मिड्स यानी वोकल्स की बात की जाए तो वोकल्स क्लैरिटी भी इसकी क्रिस्टल क्लियर मुझे लगी एंड इसमें अलग से मूवीज एंड वोकल्स मोड दिया हुआ है। तो अगर आप मूवीज देखते हैं तो मूवीज मोड में इसको कर सकते हैं, बट अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, सीरीज वगैरह देख रहे हैं जिसमें आपको वोकल्स ज़्यादा क्लियर चाहिए तब आप इसका वोकल मोड ऑन कर सकते हैं। लाउडनेस की बात करी जाए, इसके पावर आउटपुट से आप समझ चुके होंगे इसकी लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका एक बड़ा साइज का रूम है या एक हॉल है आपके घर पे
तब ये उसके लिए इनफ है। तो अभी लास्ट बात है कि आपको ये साउंड बार परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसमें आपको काफी सारे फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एफएम का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है, जो अभी तक किसी और साउंड बार में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ये पहला साउंड बार है जिसमें एफएम का सपोर्ट दिया गया है। सेकंड, इसमें 500 एवरग्रीन हिंदी सॉन्ग्स दिए गए हैं, जिसमें किशोर कुमार, लता मंगेशकर एंड जितने भी पुराने सॉन्ग्स हैं, एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं, सब इंक्लूड हैं। तो वो भी इसके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये फीचर भी अभी किसी और साउंड बार में देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। तो अगर आपका बजट 7 से 10 हज़ार रुपए के आसपास है एंड आप एक ऐसा साउंड बार लेना चाहते हैं जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिले, चाहे वो इनबिल्ट सॉन्ग्स हो, एफएम हो, यूएसबी ऑक्स, जिसका बेस काफी अच्छा हो, वोकल क्लैरिटी काफी अच्छी हो, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ऑलरेडी गाइस, हमारा आज का वीडियो, तो आपको ये साउंड बार कैसा लगा, आपको इसका कौन सा फीचर पसंद आया है। साथ ही अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मेरा नाम ऋतिक, मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।